दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोग बेहाल हैं, गर्म हवाओं से लोग हुए परेशान। नोएडा पुलिस ने जनता के लिए लगवाए प्यार, गर्मी से परेशान लोगों को मिलेगी राहत। नोएडा में 47 डिग्री के पार तापमान, लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए नोएडा पुलिस ने जनता के लिए जगह जगह पर प्याऊ लगाए हैं, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में इस समय जो गर्मी है वो पूरा गर्मी का सितम झेलने के लिए लोग मजबूर हैं, जिसके चलते नोएडा पुलिस ने खास इंतजाम किए। नोएडा के जितने थाने और पुलिस चौकी हैं वहां पर प्याऊ लगाया गया, इसी तरीके के घड़े रखे गए, बाकायदा गिलास यहां पर रखे गए, क्योंकि थाने में जो भी फरियादी आए अपनी शिकायत लेकर वो किसी तरीके से गर्मी का शिकार ना हो। और यहां से आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये जो सुविधा है ये पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही साथ नोएडा की जितनी भी रेड लाइट है वहां पर ग्रीन कपड़ा लगाया गया है, ताकि जो गाड़ियां खड़ी होती है रेड लाइट के नीचे, लगातार हीट होती है, मौसम खराब होता है, आप पानी पीने के लिए आए, पुलिस ने सुविधा की है। कैसी लगी सुविधा? अच्छा, आमतौर पर प्याऊ कम हुआ करते थे नोएडा में, अब इस तरीके की सुविधा ठीक है? ठीक है, प्यास है तो प्यास पानी पीने के लिए सही है। अब क्या कहेंगे, अब भी रुके थे? हाँ जी, सुविधा अच्छी की है, मटका लगाया है, पानी ठंडा है, बढ़िया सुविधा है। मतलब आदमी जैसे पसीना बहा रहा है, लगता है चक्कर आगे गिर जाएगा, पर ये प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया सुविधा है, तो प्रशासन के लिए बहुत बहुत बधाई है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगाया गया है? तो अच्छी ही बात है, गर्मी के टाइम है तो आमतौर पे नोएडा में खरीद कर ही पानी पीना होता है, लेकिन प्याऊ लगाए गए हैं इस बार। नोएडा में क्या, हर जगह दिल्ली की भी यही बात है, हर जगह जहाँ जाइए। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पानी पीने के लिए रुक रहे हैं, और क्योंकि रास्ते के पास है तो तमाम लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश होने का अनुमान जरूर मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है, लेकिन अभी भी जो गर्मी का टॉर्चर है वो झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। 45, 40 और 47 डिग्री के आसपास तापमान लगातार बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। कानपुर में लगातार बढ़ रही गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, और गर्मी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। दोपहर में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं पशु पक्षी भी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। कानपुर में गर्मी लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। दरअसल लगातार कई दिनों से तापमान 45 डिग्री को पार कर रहा है, यही वजह है कि शहर के लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोग जो दोपहर में घरों के बाहर निकल रहे हैं, उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, कानपुर में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री के मार्क को छू लेता है, पारा 40 डिग्री पर पहुंच जाता है, और उसके बाद दोपहर होते होते पारा 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वे अपने घरों पर निकलें। केवल आम आदमी ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी इस गर्मी से बेहद परेशान है। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से पेड़ में तमाम पक्षी अपने घोंसलों में मौजूद हैं, घोंसलों में रह करके वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर इस वक्त कलवल करते हुए नदी किनारे ये पंछी नज़र आते हैं, लेकिन इस समय नदियों में पानी नहीं है, तालाब पोखर सूखे हुए हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में ये पक्षी अपना दाना पानी ढूंढने के बजाय अपने घोंसलों में ही मौजूद है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से घोंसलों में अपने दुबके हुए हैं ये पक्षी, जो कि इस वक्त उड़ान भर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तमाम वो लोग जिन्हें जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जिन्हें काम जरूरी नहीं है वो घरों पर ही बैठे हैं। दरअसल एडवाइजरी भी इसी तरीके की दी जा रही है कि दोपहर में 12 बजे के बाद और 3 बजे तक लोग घरों के बाहर ना निकले। इस वक्त तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में लोगों को रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है, लोगों में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, हीट स्ट्रोक के शिकार पहुंच रहे हैं। गुरुजन तमिल सिंह के साथ श्रीमती तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आज वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान और रुद्राभिषेक किया गया। ज्ञान